भारत में कोरोना के नए मामले दुनिया के अन्य देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो गए हैं। अब ड्रग रेगुलेटर ने इसके दूसरे फेज के ट्रायल के लिए भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में इस वैक्सीन से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी अपने पहले नेजल यानी कि नाक से लिए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को अनुमति दे दी है। इसके पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल नवंबर में शुरू होगा। उधर हाल ही में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन का ट्रायल रोके जाने पर WHO ने कहा है कि इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्लिनिकल रिसर्च पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि हो सकता है कि साल के अंत तक कुछ परिणाम निकलें या फिर अगले साल नतीजे आएं। उन्होंने कहा कि हमें परिणाम पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन के ट्रायल को उस वक्त रोक दिया गया था जब एक वॉलंटियर पर इसका गंभीर असर दिखाई दिया, जिसके बाद कई देशों ने इस वैक्सीन के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि भले ही इस घटनाक्रम ने वैक्सीन की स्पीड को धीमा कर दिया हो, लेकिन कंपनी को अभी भी इसके जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। एस्ट्राजेनेका के CEO पास्कल सॉरियट ने कहा कि यह वैक्सीन इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में आ सकती है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस की सरकार अपने यहां बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत से लगातार चर्चा कर रही है। रूस की सरकार चाहती है कि अपनी वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए वो भारत की औद्योगिक सुविधाओं और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। वहीं भारत को भी यह सिर्फ फायदे की बात ही लग रही है। भारत में COVID-19 वैक्सीन संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के प्रमुख डॉक्टर BK Paul ने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन कर सकता है, जो रूस के लिए तो बढ़िया होगा ही, साथ ही भारत के लिए भी ये एक जबरदस्त मौका होगा। साथ ही हम दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे। इन खबरों को देखें तो हम ये कयास लगा सकते हैं कि भारत को कोरोना वैक्सीन जल्द मिल सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।